हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप टॉक कंडक्ट कराना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इंजीनियर की रिस्पांसिबिलिटी है या एचएससी ऑफिसर की। तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली एक दो कॉमेंट ऐसे मेरे को देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर, जो पेप टॉक होता है यानी TBT, जिसे हम टूल बॉक्स टॉक भी बोलते हैं, उसके लिए रिस्पांसिबल पर्सन कौन है, यानी उसे डेली कौन कंडक्ट कराएगा इसके बारे में। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इन रियल पेपटॉक के लिए इंजीनियर्स ही रिस्पांसिबल हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। मैक्सिमम कंपनीज में केवल सेफ्टी ऑफिसर ही कंडक्ट कराते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर करा रहे तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे रिस्पांसिबल है इंजीनियर, लेकिन आप भी करा सकते हैं और ये बेटर है कि आप ही कराओ, क्योंकि आपका इससे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। आप वर्कर से कम्युनिकेट कर सकते हो कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रहा है। इससे आपको अच्छी समझ में आएगा कि साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा वर्कर्स को पता होता है कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपके इंजीनियर्स हैं उनके साथ आप पेपटॉक करा सकते हो, यानी पेपटॉक में उनको भी इंक्लूड करो। और जितने भी अच्छे कंपनीज है वहाँ पे इंजीनियर्स कराते हैं, उसके साथ साथ सेफ्टी ऑफिसर भी वहाँ होता है। तो ये पेपटॉक एक जनरल टॉक होता है, तो इसमें सारे लोगों को इंक्लूड करो। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स नहीं आ रहे, उनको ये बुलाओ, उनमें ये काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि पेपटॉक के लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि इंजीनियर रिस्पांसिबल है और उसके साथ साथ हम भी उनके साथ रहेंगे। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हो।